now without any delay i would call our guest speaker he is senior anchor person columnist writer analyst media trainer social media expert i mean mr ajmal jami sir please welcome on this stage a huge round of applause for ajmal jami yeah. <laughs> ये मौका दिया कि फ़रुख वड़ाइज साहब जैसी जयद हस्तियों के सामने मैं मुखातिब हूँ मेरे लिए इट्स नॉट लेस देन एन ऑनर टू बी हेयर एंड टॉक इन फ्रंट ऑफ हिम सर थैंक यू वेरी मच आप तो रखते हैं गंडापुर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर आप तो हमारे बुजुर्गों में से हैं अच्छा जी मैंने आपका कोई ज़्यादा वक्त नहीं लेना क्योंकि जयद हस्तियाँ मौजूद हैं तो ये आपको बेहतर रहनुमाई फ़रमाएंगी कि सोशल मीडिया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और इसका स्कोप क्या और आपको क्या करना चाहिए अर्ज़ यह है कि आप अगर पाए खाते हैं या गोगा नकीबिया के छोले खाते हैं या किसी कोयटा होटल की चाय पीते हैं या अगर आप एमनाबाद की बर्फ़ी खाते हैं कुछ ना कुछ तो आपके शौक़ होंगे तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि अगर आपको फ़लाँ बर्फ़ी पसंद है तो फ़लाँ जगह से ही मिलेगी ऐसा है हाँ पाए खाएंगे तो आपको पता है कहाँ से खाना इज़ इट ट्रू या अम्मा के हाथ की दाल फ्राई पसंद है तो आपको पता है घर आना होगा ऐसा ही है आवाज़ तो दें तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ सोशल मीडिया और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है तो ये कैसे पता मुमकिन हो सकता है कि आपको बर्फ़ी का ज़ायक़ा और उसकी दुकान का पता हो पाए का जायका और उसकी दुकान का पता हो लेकिन ये पता ना हो कि ये पमबीरी किसने आपको भेजी है या ये फेक न्यूज़ आपको किसने भेजी है इसकी जस्तजूर इसकी खोज लगाना आपका काम है क्यों क्योंकि आप साहिब इल्म हैं और आप नौजवान हैं और आप साहिब अकल हैं और अल्लाह ने आपको इंसान के रूप में भेजा है और इंसान को अल्लाह ने कुरान में एक ही शय बार 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 रिपीट करके बताई है वो पता क्या है तहकी के इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियाँ तो गौर करेंगे तो निशानियाँ मिलेंगी गौर नहीं करेंगे तो आपका शुमार मेरी तरह जोहला में से होगा ठीक हो गया वजह यह है पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है क्यों पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है मुझ गुमनाम नाम से पूछते हैं फरहादो मजनू मुझ गुमनाम नाम से पूछते हैं फरहादो मजनू इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है तो ये रीज़निंग अपने आप को कभी ना दीजिएगा कि मेरे पास वसाइल नहीं हैं अब मैं फरुख वड़ाइश नहीं बन सकता मैं सदीक जान नहीं बन सकता वो कहाँ मैं कहाँ कभी भी फरुख वड़ाइश या सदीक़ जान बनने की कोशिश ना कीजिएगा और इस खाकसार नक्शे कदम चलने का सोचे हुए ना वजह यह है हो सकता है आपके अंदर सदीक जान प्लस हो हो सकता है आपके अंदर फरुख वड़ाइच प्लस हो सो so सदीक जान ट्राई टू बीवर यू आर और अपनी शनाख कीजिए इकबाल आपको यही कहता गया खुद ही और अपने अंदर अपने मन में डूब के पहले अपना सुराख तो पाएं आप हैं कौन करना क्या चाहते हैं आखिरी बात और फिर इजाजत फ़लां बंदा यूट्यूब पे बहुत हिट है फलां बंदे का प्रोग्राम टीवी वी बहुत हिट है फ़लां बंदा ट्वीट्स बड़े अच्छे करता है फ़ारूक़ वड़ाई साहब की इंस्टाग्राम तस्वीरें बड़ी ख़ूबसूरत हैं ऐसा है इस डगर पे मत चलिएगा एक छोटा सा आइडिया देता हूँ क्योंकि आप सबका ताल्लुक अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले इदारों से और तनज़ीमों से है ऐसा ही है अलिया कराम की मोहब्बत करते हैं कोई एक ऐसा यूट्यूब चैनल आप मुझे दिखा दें मैंने ये करना है वैसे उससे पहले आप कर लें कोई एक YouTube चैनल जो मुझे अली हजवेरी की सैर करवाए जो मुझे बताए कि यहाँ वो शख्स है जिसके बारे में लिखा गया था गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा सारा पीर कामिल कामिला रा। रहनुमा इस शेर का कोई मतलब ही समझा दे यार अवामन्नास को बताए ये कब आए थे यहाँ पर क्यों तशरीफ़ लाए थे आप सरकार की मज़ार पाक को मदीना तयबा का साउथ एशियन सेक्रटेट किसने कहा और क्यों कहा बल्ले कहाँ दफन है वार शाह कहाँ दफन है मियाँ मोहम्मद बख्श की क्या तलीमत हैं फिर कहते हैं हम स्ट्रीमिस्ट हैं दहशत हैं भाई किसी ने बताया ये कोई यूट्यूब चैनल है ऐसा अगर कोई है भी तो वो जो किसी मजार शरीफ पर आप जाते हैं तो बाहर पम्फलेट नहीं बेचते वो जाली माली तारीख लिखी होती है वो पढ़ के सुना देते हैं तो ये ओलिया से मोहब्बत करने वाले नौजवान तलब इलमु के सामने मेरा एक आइडिया है कि अगर आप ओलिया की धरती की शनाख्त करें उनके मज़ारों की सैर करवाएँ तो यकीन जाने आप वन बिलियन प्लस फॉलोअर्स पर चले जाएँगे और ऐसी बरक़त आपको द्रुद के सदक़े में मिलेगी क्या हैरान हो जाएंगे आइडिया अच्छा है दुआ दीजिएगा फिर मुझे अल्लाह हाफिज़